जब बाबा की डेथ हुई है तो बाबा बहुत ज्यादा ही वाज वेरी सिक. बाबा 15-16 डेज से वो हॉस्पिटलाइज थे. तो 31 दिसंबर को बाबा की डेथ हुई है तो वो 14th से एडमिट थे. अच्छा. और वो बेंच पे थे इतने दिनों से, उनको होश नहीं था. फिर यू नो बीच में एक दो दफा वो थोड़ा जागे. अच्छा. लेकिन वो उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो पा रही थी. अच्छा. और ये सब कुछ ना मम्मा को पता ही नहीं था, क्योंकि हमने हमेशा अभी ऐसे ही सोचा था कि हमेशा की तरह बाबा बहुत बीमार हैं. फिर आपने सुना ही होगा. लेकिन वो हमेशा इतनी अपनी बीमारी से फाइट करते थे कि वो वापस घर आ जाते थे. तो हम भी उसी थॉट में थे कि कोई बात नहीं, इतने चैंपियन है, ही विल कम बैक, वो घर आएंगे और सब सेट हो जाएगा. मम्मा को हमने इसलिए नहीं बताया, मेरी मम्मा खुद बीमार होती है, उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है. मम्मा को हमने छुपा के थोड़ा रखा कि नहीं मम्मा इतने बीमार नहीं है, वो सही हो जाएंगे, हो जाएंगे. लेकिन जब एंड में चीज़ें हाथ से स्लिप होती हुई नजर आई ना कि नहीं आई थिंक अब इट्स टाइम, तो वैसे अचानक उठी रात को उन्होंने कहा मुझे तुम लोग नहीं बता रहे हो, मैंने जाके ना मुबीन से मिलना है. और वो वही रात थी जिसकी सुबह बाबा का बस वो एक अल्लाह की तरफ से होता है ना कि उनको था कि, और वो रात को वो जागे, उन्होंने मम्मा को देखा है, बात की, मतलब बात नहीं कर पा रहे थे, हाथ पकड़ा, ये वो सब चीज़ें थी. लेकिन जब सुबह हम, मुझे लगता है कि हमें अल्लाह ताला ने ना मुझे और मिनाल को और मेरा भाई माज, मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं देखा. समाज है क्या, समाज है, उसने बाबा की बीमारी को बिल्कुल कि इस तरीके से नहीं लिया कि वो रोए धोए या वो हमें परेशान करे. वो ये था कि नहीं तुम लोग मतलब अपने सेंसेस में रहो, सब ठीक हो जाएगा. इतना छोटे से, लाइक ही इज वेरी यंग. उस वक्त कितने साल का था माज? अभी 22 ईयर्स का है. उस वक्त 3 साल हो गए. 19 साल का था, छोटा था. 19 साल के लड़का, मतलब वो ढाल बना, वो पिलर बना बिल्कुल. और फिर हमें पता नहीं क्यों एक अल्लाह की तरफ से, क्योंकि कोई बड़ा और नहीं था ना साथ में, वो नहीं थे. और बस ये था कि वो हमें एक अल्लाह की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पावर अंदर थी कि चलो कोई बात नहीं, इसी में राजी रहो, जो हो गया. मम्मा को संभालना और दो छोटे भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो मैरिड हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, मिनाल की शादी नहीं हुई थी. वो जो छोटे हैं उनकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी बाप का साया चला गया. वो 16 साल के थे, हम तो फिर बड़े थे. बस अभी भी उनको उसी तरीके से याद कर, जाहिर है. तो फिर वो इवन एक वो जाता है ना कि फिर शायद तुम्हारा दिल भी ना चाहता हो कि मैं जाऊं मम्मी को छोड़कर. नहीं, मैं तो बहुत टाइम मम्मा के साथ रही हूं. फिर वो किस तरह से एक, ये मतलब मुझे द पॉइंट इज कि जो ट्रांजिशन होती है बड़ी डिफिकल्ट होती है. एक्चुअली अभी तक मुझे लगता है कि ट्रांजिशन हो नहीं सकता, ट्रांजिशन नहीं हो सकती. मेरा घर मम्मा के घर से बहुत करीब है, तो मुझे होता है कि यार चलो वीकली 2-3 times मैं शाम को उनसे जाके मिलूँ. और मैंने एक दिन बनाया हुआ है जो मैं उनको टाइम देती हूँ और मैं बाहर लेकर जाती हूँ कि आप चले मेरे साथ. लेकिन मुझे फील होता है यार एट द एंड हम अपने घर चले जाते हैं, हम अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं, वो बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं. जो अकेला है ना वो मम्मा है. और उनको बस और पार्टनर इस उम्र में चाहिए होता है, और इसी टाइम इस उम्र में सबसे ज्यादा होता है कि क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब तो आप बच्चों में इतना गुम हो जाते हैं कि आप आपस में एक वो, आपको पता है वो अभी आज तक मैंने अपने फादर को ख्वाब में नहीं देखा. ठीक है, मैं रोज दुआ करके सोती हूँ कि यू नो आप मेरे पास एक दफा तो मेरे ख्वाब में आए, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इजाजत दे वो फिर तभी आ सकते हैं. लेकिन वो मेरी मम्मा के ख्वाब में रबिया वो बातें करते हैं प्रॉपर आके, यू नो. वो अभी बीच में कल परसों ही मुझे बता रही थी कि हाँ नहीं बहुत दिन हो गए मैंने बाबा को ख्वाब में नहीं देखा, तो मैं ना आज सोई हूँ तो आए वो ख्वाब में, उन्होंने कहा उसमें बहुत दिन हो गए हमने बात नहीं की. तो मुझे इतना फील होता है कि यार चलो हम तो फिर भी आगे लाइफ में बिजी हैं, मूव ऑन कर गए. जो सबसे ज्यादा बाबा की कमी महसूस करती है वो मम्मा है. और इतनी यंग दोनों यार, इनकी शादियों का टाइम ही अभी बाबा के और मम्मा के. यार आपके क्या सेलिब्रिटी कपल थे जो आपके अम्मा अब्बा थे? अभी उनकी शादी को 25-26 इयर्स हुए, तो हमें तो बहुत ज्यादा होता है कि यार बाबा बहुत जल्दी चले गए, मतलब.